इतने अच्छे अच्छे झोले इन सब ने फेंक के रखे थे। जरूरत पड़ेगी ना सब अभी मेरे पास ही आएंगे। मतलब अब आपके पास केवल ये पॉलिथीन समेटना रह गया है ना काम, और कोई काम धंधा तो है नहीं। चलो बेटा अब तुम आओ ना मेरे पास, तब मैं बताऊँ काम आएंगे। है एकदम, मतलब मम्मी वो कोई पॉलिथीन है क्या? पॉलिथीन दे दो, वो सब्जी वाले भैया के पास जाओ ना, कहते हैं पॉलिथीन लेकर आओ वरना सब्जी नहीं मिलेगी। सब्जी नहीं दे रहे पॉलिथीन के बिना। अरे वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गया तुझे मेरी, इसीलिए मैं जब रखती हूँ तब तो तू मुझे ताने देती है। अब समझ में आया? इसीलिए कहती हूँ मैं सामने रखती हूँ तो तुम लोगों को बुरा लगता है, आखिर वही चीज काम आती है ना। लो बैठ के नीचे रखा था, ले लिया। अरे वाह बड़ा नया झोला लग रहा है। कभी कभी मिडिल क्लास थिंग्स भी ना काम आ जाती है सच्ची। a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस। अरे वाह क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी। मम्मी मेरा ना कल एग्जाम है इसलिए मैं पढ़ इस बार ने देखा मैं पक्का क्लास में फर्स्ट आऊंगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ना अभी भगवान जी से मन्नत मांग लेती हूं, देखना तू ही पूरे क्लास में टॉप करेगी टॉप। भगवान जी अगर मेरी गुड़िया ना 100% से पास हो गई ना मैं आपको 101 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगी, 105 कर दूंगी। मम्मी मेहनत से होता है मन्नत से नहीं। बेटा तू नहीं जानती, तू ना तू पढ़ देखना भगवान तुझे 101 नंबरों से पास करेंगे। ये पहाड़ी वाले बाबा 4 दिन से इसकी तबीयत खराब है, इसकी तबीयत सही कर दो, इसको ना मैं आपके द्वार पे पैदल लेके चला के आऊंगी। प्लीज इसकी तबीयत सही कर दो, तू चिंता मत कर मैंने मन्नत मांग लिया ना तो एकदम सही हो जाएगी। मम्मी आज पता है आज मैं ना इंटरव्यू देने गई थी और अगर ये जॉब लग गई ना तो 50,000 पक्का है। अरे वाह बेटा बड़ी अच्छी बात है, मैं भी मन्नत मांग लेती हूँ। बाबा जी इसकी नौकरी लगवा दो, इसकी पहली सैलरी ना मैं आपको चढ़ाऊंगी। हाँ यार मम्मी जब देखो तब भगवान से मांगती रहती हो, इतना भी नहीं मांगा जाता है, जो भगवान देंगे हमें बस स्वीकार करना चाहिए। हाय बाबा जी मेरी चेन कहाँ चली गई, क्या करूँ मैं? हे बाबा जी मेरी सोने की चेन दिला दो, मैं आधा सोना आपको दान कर दूंगी। अरे नहीं याद आया मैंने तो दूसरे डब्बे में रखा। थैंक गॉड चेन तो मैंने इस डब्बे में रखी थी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, आधा सोना दूंगी बाबा जी, जल्दी दे दूंगी, आप पहले दे दो फिर मैं दे दूंगी। हे बाबा जी बस मेरे बेटे की ना शादी करा दो, उसे एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो, एक कार छोटी सी दे देना और एक अच्छी सी खूबसूरत सी बहू दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बाबा जी बस दे दो, सब कुछ दे दो बाबा जी। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका तो भगवान भी नहीं समझ सकते। कमेंट्स में बताओ किसकी किसकी मम्मी ऐसे ही बात बात पे मन्नत मांगती रहती है। आ बेटा वाह, एसी चल रही है, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, सब चल रहा है, आग कहाँ है? फोन में। इतना सारा जलाने की क्या जरूरत है, बिजली का बिल कौन भरेगा? और एसी कितनी देर से चल रहा है? 1 घंटा 10 मिनट एसी चालू करने में ना बेटा रूम ठंडा हो जाता है, तुमने रजाई ओढ़ रखी है फिर बताओ एसी चलाने की क्या जरूरत है? यार मम्मी इतना भी नहीं जल गया आपका, नहीं बहुत करोड़ों का बिल आ जाएगा। और एसी तो चलो ठीक है समझ में आता है, पंखा चलाने की क्या जरूरत है जब एसी चला करके रखा है? तुम लोगों को ना तुम्हारा बाप कर करके मर जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली का बिल भरने के लिए बाप तो बैठा ही है। बिजली का बिल तो हमारा बाप आई मीन हमारे पापा ही तो भरते हैं। सारी लाइट्स बंद करो, देखो तब मैं मरती रहूं बिजली का बिल बचाने के लिए और ये लोग को कोई परवाह नहीं है। अपने जमाने में ना हम लांडे से चला के काम कर लेते थे। हे भगवान आपके इतने लेक्चर सुनने से अच्छा है ना मैं बंद ही कर दूं। माफ करो माते माफ करो। ये क्या मंगाया तूने? 170 रुपए के प्रिंगल्स। वाह बेटा वाह, यहाँ हम बेचारे बूढ़े माँ बाप 1-1 रुपए बचा रहे हो, तुम जैसी साहबजादी औलादें ऐसे ऐसे बर्बाद करके आ रहे। अरे मुझे बता दिया होता 40 रुपए किलो आलू है, मैं घर पे 1 किलो बनाऊंगी। 4 किलो ना बना लो चिप्स 40 रुपए में। 170 रुपए बर्बाद क्या कर दिए, इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 1000 रुपए बर्बाद कर दिए। बताओ 40 रुपए की चीज के लिए तुम 170 रुपए दे के आई हो, और अभी हाल ही में क्या तूने 50 रुपए के बड़ा पाव तूने उस पे मंगाए स्विगी पे 150 रुपए के, और इतने पैसे में तो मैं घर में 10 बड़ा पाव बना दूँ। बच्चे भी सिर्फ पैसे बर्बाद करना जानते हो, यहाँ हम बेचारे माँ बाप 1-1 रुपए बचाते हैं और तुम्हें तो रुपयों की कीमत ही नहीं है, बस ऐसे फालतू चीज मंगा के बर्बाद करते रहते हो। कुछ भी खाना है बताओ, मैं घर बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है, मेरी मम्मी जिंदा है घर पे सब कुछ बना देगी। ठीक है मम्मी आज से नहीं करूंगी ऐसा, इनके लेक्चर सुनने से अच्छा इनके नाम है हामिला। अनुपमा की तरह सीख सीख के ना ये भी अनुपमा बन गई है, बस जब देखो तब लेक्चर झाड़ती रहती है।